हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आईटीआई कंपटीशन ग्रुप में। आज दोस्तों हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं कि आईटीआई क्यों करें या कैसे करें, इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, आप इसे कैसे कर सकते हैं और इसके भविष्य में क्या क्या स्कोप हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में आज चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आईटीआई क्या होता है, कैसे कर सकते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आईटीआई का पहले तो मैं आपको पूरा फॉर्म नाम बता देना चाहता हूँ। आईटीआई को फुल फॉर्म में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जो कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जाती है हर स्टेट में। ये आईटीआई क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है। आईटीआई, जैसा मैंने अभी बताया कि इसे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आईटीआई मैन स्किल्ड मैन पावर को डेवलप करती है, ताकि हर इंडस्ट्री को स्किल्ड मैन पावर इजीली अवेलेबल हो अपने टास्क को पूरा करने के लिए। अब दोस्तों हम इस बारे में बात करते हैं, आईटीआई के लिए आवश्यक योग्यता क्या है या कौन कौन से लोग कर सकते हैं आईटीआई। देखो दोस्तों, सबसे सस्ती टेक्निकल एजुकेशन है, जिसे हर एक छात्र करके आसानी से जॉब पा सकता है गवर्नमेंट सेक्टर या ट्रेनिंग सेक्टर में। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके लिए मिनिमम योग्यता क्या है और कौन कौन से लोग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट ट्रेड को शॉर्टलिस्ट किया है, जिसके बारे में मैं क्वालिफिकेशन क्या क्या है या मिनिमम एज क्या है, फीस क्या है, कैसे कर सकते हैं या किस ट्रेड के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। जैसे कि इलेक्ट्रीशियन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये कोर में आता है, और इसकी प्रशिक्षण अवधि 2 होती है। हालांकि पहले जो एडमिशन होते थे वो सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते थे, लेकिन इस साल से गवर्नमेंट ने, स्पेशली यूपी गवर्नमेंट ने उसको ईयरली कर दिया है, मतलब साल में सिर्फ एक बार आपके एग्ज़ाम होंगे। इसके लिए आपकी शैक्षिक योग्यता जो है हाई स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए विज्ञान वर्ग के साथ, और इसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कलपुर्जों, मशीन, मोटर्स, वाइंडिंग आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। वैसे ही है एक मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, आरएसी ट्रेड, ये भी 2 वर्षीय ट्रेड है, ये भी मैकेनिकल ट्रेड है। इसके लिए भी है 10वीं पास छात्र की आवश्यकता होती है, और इसमें भी हम लोग एसी जो होते हैं रेफ्रिजरेंट, एसी वॉशिंग मशीन, सॉरी एसी और ये फ्रिज इत्यादि के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, इसमें हम लोग भवनों की बिल्डिंग के और टूल्स वगैरह के बारे में, डिजाइन के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ICTSM, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम मेंटेनेंस, ये भी 2 वर्षीय कोर्स है, इसके लिए भी 10 हाई स्कूल उत्तीर्ण चाहिए गणित और विज्ञान के वर्ग के साथ। इसमें हम लोग को कंप्यूटर आदि के बारे में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी दी जाती है। MCE मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड उपकरणों के बारे में हमें जानकारी दी जाती है, जैसे टेलीविज़न, रेडियो, इन सब के बारे में। प्लम्बर, यह भी 1-2 वर्षीय कोर्स है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्स है प्लम्बर, जिसे हम करके अपना खुद का भी बिजनेस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हम इसे करके गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में ही नौकरी करें। इसमें हम लोग प्लम्बर में भी नल इत्यादि की रिपेयर एंड मेंटेनेंस कर सकते हैं। वेल्डर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेड है खुद के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे वेल्डिंग का काम हर जगह किया जा सकता है, जैसे मोटर गाड़ी इत्यादि या रेलिंग वगैरह बनाने में या रेलवे के कामों में वेल्डिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो इसके लिए एक सबसे अच्छी बात है कि यह 1 वर्षीय कोर्स है, और इसके लिए मिनिमम योग्यता कक्षा 8 पास है, और उस समय आपकी उम्र 14 वर्ष होनी चाहिए, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और वैसे ही पेंटर जनरल, ये 2 वर्षीय कोर्स है, इसमें पेंटिंग वगैरह के बारे में बताया जाता है। वैसे ही सर कई और सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे मैंने गर्ल्स के लिए कुछ ट्रेड शॉर्टलिस्ट किए हैं, जैसे ड्रेस मेकिंग है, फैशन टेक्नोलॉजी है, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी है, तो ये सब 1 वर्षीय कोर्स है और इन सब के लिए हाई स्कूल उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। तो ड्रेस मेकिंग में जैसे लड़कियों को कढ़ाई कटाई बुनाई इत्यादि के बारे में सिखाया जाता है। फैशन टेक्नोलॉजी भी ऐसे ही, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी में मेकअप वगैरह के बारे में, फेशियल, ब्लीच, क्लीनिंग वगैरह के बारे में सिखाया जाता है। तो इन सब से क्या है, लड़कियां या औरतें जो हैं खुद का अपना रोजगार भी कर सकती हैं,
और दूसरों को सिखा भी सकती हैं और सेल्फ डिपेंड भी हो सकती हैं। दोस्तों मैंने एक वो इसको बनाया है कि आईटीआई के बाद क्या क्या स्कोप है। अगर आप आईटीआई करते हैं तो उसके बाद आपका भविष्य कितना उज्जवल है या आप किस किस क्षेत्रों में जा सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जैसे आप आईटीआई करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं प्रिपरेशन कंपटीशन फाइट करके। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में हमारा है इसरो है, यूपीपीसीएल टीजी है, रेलवे का टेक्नीशियन लोको पायलट है, डीआरडीओ है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, ट्यूबवेल ऑपरेटर है, लैब अटेंडेंट है, इत्यादि में आप नौकरी पा सकते हैं। ये गवर्नमेंट के सेक्टर है। और प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, जैसे हीरो मोटर कॉर्प्स है, टाटा है, और बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि प्राइवेट में गाइडेंस कंपनी है जो कि आईटीआई होल्डर्स को जॉब देती हैं। और ये तीसरा है कि आप उसमें डायरेक्ट डिप्लोमा कर सकते हैं, डिप्लोमा सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं अगर आप आईटीआई किए हैं तो। एंट्रेंस जाकर एग्ज़ाम के थ्रू लेटरल एंट्री में आप एडमिशन लेके वहाँ से डिप्लोमा कर सकते हैं, जिससे आपका भविष्य और सेफ और सिक्योर हो जाएगा। और चौथा ये है कि अगर आप हाई स्कूल के बाद आईटीआई करते हैं तो गवर्नमेंट ने पिछले वर्षों से ऐसा किया कि अगर आप हाई स्कूल करने के बाद आईटीआई करते हैं और आईटीआई आप पास कर लेते हैं तो आपको सिर्फ एक हिंदी का पेपर देना होगा। उस हिंदी के पेपर को क्वालिफाई करके आप इंटर के इक्विवेलेंट आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सिर्फ आपको हिंदी का पेपर पास करना पड़ेगा। वैसे ही जैसे वेल्डर है, वेल्डर कक्षा 8 पे है, तो अगर कक्षा 8 पास करके आप आईटीआई करते हैं तो आपको हिंदी का पेपर देना पड़ेगा। उसके बाद आपको यूपी बोर्ड गवर्नमेंट जो है हाई स्कूल के इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट दे देगी, तो उसके बाद आप डायरेक्ट 11 में एडमिशन ले सकते हैं। और एक और है, अगर आप आईटीआई में ही टीचर बनना चाहते हैं तो आईटीआई करने के बाद आप सीआईटीएस यानी क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम इसके अंतर्गत 1 वर्षीय कोर्स कर सकते हैं आईटीआई करने के बाद। तो वहाँ से आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, आईटीआई में इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। यहाँ पे मैंने दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट्स ट्रेड्स के नाम लिखे हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट्स और पॉपुलर हैं, जिसे करके आप आसानी से खुद का काम कर सकते हैं या किसी सेक्टर में गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। जैसे फिटर है, इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन है, सर्वेयर है, मैकेनिक है, डीजल एंड मोटर मैकेनिक कोपा का है, स्टेनोग्राफी है, वेल्डर है, मैकेनिक आरएसी है, कटिंग एंड स्विमिंग है, आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन है, कारपेंटर है, पेंटर जनरल है। ये सब काफ़ी पॉपुलर ट्रेड है जिसे हर कोई स्टूडेंट करके अपना खुद का बिजनेस कर सकता है या किसी इंडस्ट्री में जॉब कर सकता है। जैसे मैंने बताया था दोस्तों कि क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, तो मैं बताया था जैसे पेंटर जनरल में कक्षा 8 में पेंटर जनरल और वेल्डर कक्षा 8 पास है तो उसे करने के बाद आपको हिंदी का पेपर देना पड़ेगा। अगर आप आईटीआई कर लेते हैं ट्रेड में तो आप वो आपको हाई स्कूल के इक्विवेलेंट हो जाएगा। वैसे ही जो 10th के प्लस के बाद के हैं, तो 10th के बाद अगर आप आईटीआई करते हैं और हिंदी का पेपर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपको यूपी बोर्ड द्वारा इंटरमीडिएट का मार्कशीट प्रदान किया जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं बता दूँ कि आईटीआई करने के लिए आपकी मिनिमम आयु 14 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम आयु आपकी 40 वर्ष होगी, 40 वर्ष होनी चाहिए। इसके दौरान इस बीच में जिसकी भी उम्र होगी वो आईटीआई कर सकता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि फॉर्म कब आता है या एडमिशन कैसे होता है, फीस कितनी होती है, क्या प्रोसेस होता है, कैसे आप पता कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताता हूँ। तो मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको कि देखिए फॉर्म जो है मई और जून के महीनों में आता है। जैसे कि इस बार है वो 30 अप्रैल से फॉर्म निकल रहे हैं, लेकिन जनरली फॉर्म मई मई और जून में आते थे, लेकिन इस बार फॉर्म मई में आ रहा है। तो एडमिशन इसमें हाई स्कूल की मेरिट पे होता है, उसी के हिसाब से आपको ट्रेड मिलते हैं और आपका जो इंस्टीट्यूट चूज किया है उसके हिसाब से लगेंगे मिलेंगे एडमिशन होगा आपके इंस्टीट्यूट में। और फीस की रही बात, तो फीस तो काफ़ी नॉमिनल है, 40 रुपये के आसपास मंथली फीस है उसका और एग्ज़ाम शुल्क भी काफ़ी कम है, तो कोई भी छात्र आसानी से कर सकता है। और इसमें गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप की भी अरेंजमेंट कर रखा है कि जो गरीब छात्र हैं उनको स्कॉलरशिप भी दिया जाए ताकि वो आसानी से ये कोर्स करके अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। अब देखो दोस्तों, कुछ लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि ये एससीबीटी क्या है, एनसीबीटी क्या है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एनसीबीटी का मतलब होता है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। जो एनसीबीटी का सर्टिफिकेट होता है ये ऑल इंडिया वैलिड होता है, मतलब किसी भी
स्टेट में अगर गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब करना चाहते हैं तो इंडिया के किसी भी सेक्टर में आप जॉब कर सकते हैं एनसीवीटी के सर्टिफिकेट के थ्रू। और एससीवीटी क्या होता है, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, ये सिर्फ जिस स्टेट का होगा उसी में होगा। जैसे हम यूपी का है तो ये सर्टिफिकेट सिर्फ यूपी में ही वैलिड होगा, प्राइवेट सेक्टर में, इवन तक कि बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसी में भी एससीवीटी को मान्य नहीं किया जाता। एससीवीटी सिर्फ इंडियन रेलवे में और यूपीपीसीएल के TG2 में ही वैलिड है, और बाकी गवर्नमेंट सेक्टर में इसे मान्यता नहीं है। तो अगर आप एससीवीटी से कर रहे हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप एससीवीटी से करने के बाद अब 1 साल का अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। इस अप्रेंटिसशिप के तहत आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उस एग्ज़ाम के थ्रू आपको एक अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि एनसीवीटी सर्टिफिकेट के इक्विवेलेंट होगा, यानी कि आप फिर उस ट्रेड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे जहाँ पे भी एनसीवीटी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब कि जो आपका एससीवीटी का सर्टिफिकेट है वो एनसीवीटी सर्टिफिकेट के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो आप एससीवीटी से करके भी अप्रेंटिस करके एनसीवीटी के इक्विवेलेंट हो सकते हैं, यानी एनसीवीटी के इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट हो जाएगा तो आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जैसे कि मैं पहले ही आपको बता दिया था कि आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में आप कर सकते हैं, तो ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में करना चाहें तो गवर्नमेंट सेक्टर में कर सकते हैं, या फिर प्राइवेट सेक्टर में करना चाहें तो प्राइवेट सेक्टर में। और इन स्टेट्स के एडवांटेज ये हैं कि इससे आप खुद का अपना रोजगार कर सकते हैं। लड़कियों के लिए जैसे ड्रेस मेकिंग है, स्वयं टेक्नोलॉजी आदि है, और लड़कों के लिए वेल्डर, प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन आदि है। इसमें ये खुद का रोजगार कर सकते हैं, और इन सब रोजगार के लिए सरकार समय समय पर वित्तीय सहायता भी देती रहती है, जिससे कि वो खुद का अपना बिजनेस कर सके और अन्य लोगों को भी रोजगार सृजन में सहायता प्रदान कर सके। तो कैसा लगा दोस्तों, हमें ज़रूर बताइएगा व्यू और कमेंट्स। धन्यवाद।